गाइस, अगर आपके पास भी KTM RC है या KTM की कोई सी भी गाड़ी है और आपका जो ये डिजिटल मीटर कंसोल होता है इसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, यार इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिडन होती है जो कि आपको जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है। आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, वो कितना किलोमीटर जाएगा, ट्रिप कैसे सेट करते हैं, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओवरऑल ये जो डिटेल्स है मीटर कंसोल से ही है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे ये कि अब डिजिटल मीटर कंसोल जो होता है, डिजिटल होता है, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन रहती है किसी को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बस गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे हेल्पफुल वीडियो हम लोग रेगुलर लाते रहते हैं। और अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ हम लोग आ गए हैं, ये RC का है मीटर कंसोल। और जैसे हम लोग की ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख लो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। पहले RPM पूरा स्वाइप लेता है और ये इन्फॉर्मेशन है। अब सब मैं इस डिटेल्स में आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यहाँ वार्निंग की लाइट जल रही है, वो इसलिए जलती है क्योंकि आपका साइड इंडिकेटर और लो फ्यूल लेवल है। आपका लो फ्यूल लेवल रहेगा तब भी ये वार्निंग की लाइट जलती है, साइड इंडिकेटर डाउन है तब भी जलती है। ये ABS का लाइट है और ये गाड़ी जब तक आप डाउन करके रखते हो तब तक ये लाइट जलती है। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करते हो तो ABS की लाइट ऑफ हो जाती है। और इधर आपका हाई बीम लो बीम है, इधर न्यूट्रल का है और ये हाई बीम लो बीम का है। इधर गाड़ी न्यूट्रल करोगे तो उसका आ जाएगा। ये RPM का है, गियर शिफ्टर भी है, लाइक कितने गियर पे आपको गाड़ी चेंज करना है, गियर चेंज करना है, ये ब्लिंक कर देता है और RPM लॉक कर देता है। लाइक ज़्यादा हाई स्पीड में आप लोग जाते हो तो ये ब्लिंक करेगा। और ये देख सकते हैं, ये इंडिकेटर साइड इंडिकेटर का है। और यहाँ देख सकते हो लाइक आपकी गाड़ी ये जो है 6 गियर स्पीड का है, तो इसमें 6 गियर है और कौन से गियर पे आपकी गाड़ी चल रही है, कौन से गियर पे आपकी गाड़ी है, वो चीज़ यहाँ इंडिकेट करता है। और ये आपका RPM है, RPM गाड़ी आप जब चलाते हो तो कितने RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है वो यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हीट गेज है ये और इधर फ्यूल गेज है और यहाँ पे देख लो टाइमिंग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। अब हम आपको बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन तो सभी लोग जानते हैं बट अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पे लिख रहा है कि लो फ्यूल लेवल और फ्यूल लेवल इतना है, मेरे पास 2 पॉइंट है। मगर आपको अगर जानना है कि इतने फ्यूल लेवल में आपकी गाड़ी अभी और कितना किलोमीटर चलेगी तो आपको सिंपली सब मोड पर जाना है। अब मोड पे जाके ये सेट दबाएंगे तो आपका देखो फ्यूल रेंज दिखा रहा है 140 किलोमीटर। लाइक इतना फ्यूल लेवल में आपकी गाड़ी जो है 140 किलोमीटर और चलेगी, इसका ये होता है। और नेक्स्ट ये पेज टाइप का है, नेक्स्ट आप करते जाओ तो इसमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें ये सर्विस का भी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये है कि आपकी गाड़ी की सर्विस नेक्स्ट कितने किलोमीटर पर और होगी। तो ये देख लो, आज मैंने सर्विस करवाया था और नेक्स्ट सर्विस जो 4,397 किलोमीटर बाद मेरी नेक्स्ट सर्विस होगी जो कि 4th सर्विस होगी। और नेक्स्ट करेंगे तो ये एक्चुअल फ्यूल, ये गाड़ी स्टार्ट होती है, ये जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये दिखाएगा आपका, ठीक है। और अब बता देते हैं आपको लाइक ये ट्रिप कैसे सेट करते हैं गाइस। तो जैसे देख लो ये ट्रिप हमारा फर्स्ट है, आपका जो भी यहाँ ट्रिप नंबर रहेगा सिंपल सा आपको क्या करना है, सेट बटन पर ले जाके प्रेस कर देना है और आपकी ट्रिप 0 हो जाएगी। और जैसे देख लो मेरी ट्रिप सेकंड जो है वो 68 है, इसको मैं 0 करके दिखाता हूँ। ये 68 है, सेकंड ट्रिप है, देखो लिखा हुआ है, और इसको 0 करना है। सेट पे प्रेस करूँगा मैं और मेरी ट्रिप हो गई 0। तो ऐसे आप लोग ट्रिप को अपना 0 कर सकते हो। जैसे आपको मान लो आज आपने फ्यूल टैंक फुल करवाया, आपको देखना है कि एंड तक कितना किलोमीटर चलती है, तो आप लोग ट्रिप 1 को या 2 को 0 कर दोगे उस जिस दिन आप लोग फ्यूल डलवाते हो, उसके बाद से आप लोग पता लग जाएगा लाइक कितना चली वो गाड़ी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग की। टाइमिंग सेट करना चाह रहे हो आप, जैसे कि देख लो यहाँ पे 4:36 हो रहा है, आपको अगर मान लो 7 बजे की टाइमिंग ये गलत है, आपको 7 बजे का सेट करना है। तो टाइमिंग के लिए क्या करना होता है, आपको मोड को प्रेस करना है और आपको आना है ओडो पे, ठीक है। ये देखो ओडो पे आ गया ना, लाइक ये ओरिजिनल लाइक कितना किलोमीटर गाड़ी चलती है, ये डिलीट नहीं होता है, ओडो लिखा हुआ है नीचे, इस पर आना है और आपको इस ओडो पे आना है और सेट और मोड को दोनों एक साथ प्रेस करना है। और प्रेस करते ही वो देखो ब्लिंक करने लगेगा और ऊपर वाला मोड वाला ऑवर्स का होता है। तो ये देख लो ऊपर चेंज करेंगे तो 6, 7 मान लो 7 का चेंज करना है या फिर 8 o'clock का लगाना है या फिर 9 o'clock का, 9 पे कर देंगे। और नीचे वाला जो है वो सेकंड का होता है, तो इसको आप लोग 0-0 पे ला दोगे। ये देखो 9-2 पे मान लो सेट हो गया, और सेट करने के लिए आपको दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है। तो ये आपका जो है ये आपका सेट हो गया। अब गाड़ी को देखो ऑन करोगे तो टाइमिंग जो है 9-2 होगा। तो ऐसे आप लोग टाइम सेट कर सकते हो।
तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि शायद आप लोग को ना पता हो साइड स्टैंड। तो गाइज ये कुछ मीटर कंसोल का इन्फॉर्मेशन था और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। लाइक बहुत से जो लोग होते हैं KTM यूज़ तो करते हैं बट उन लोग को पता नहीं होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी, कितने किलोमीटर बाद आपकी सर्विस और करवानी चाहिए आपको, वो सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी हेल्पफुल हुई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग डेली ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। ऑलरेडी ड्यूक और RC का कंपैरिजन का वीडियो आ चुका है चैनल पे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, पीस एंड लव। We'll be right back.